एसडीएम कोर्ट के सामने वाली कॉलोनी के लोग बांदीकुई एसडीएम कोर्ट में पहुंचकर मीठे पानी की मांग की। वह जल्दी ही मीठे पानी का उपलब्धता को लेकर सौंपा एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन। वह जल्दी ही पानी की मांग को लेकर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। आइए जानते हैं क्या कहते हैं लोग। समस्या है सर आपको? हमारी कॉलोनी में बिल्कुल खारा पानी आ रहा है और उसके मीठे पानी की सप्लाई के लिए हम आप एसडीएम साहब से निवेदन करने के लिए आए हैं और ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जी तो सर ज्ञापन देने आए हो, आपकी पूरी कॉलोनी में खारा पानी आ रहा है तो सर उसके दुरुस्त करने के लिए। जी हाँ। तो सर ये कितने दिन से ऐसी समस्या है? ये समस्या तो शुरू से चल रही है किंतु अब इसमें बीच बीच में ये टंकी में टैंकर भी डलवाते हैं लेकिन उसका भी कोई परिणाम सही नहीं, केवल दो बार मीठा पानी आया है। तो आप टैंकर चालू किए तब से? तो आपको फ्लोराइड युक्त पानी परोसा जा रहा है? जी हाँ, 77% इसमें डीटीएच है। जी तो आप पानी साथ में लाए हो? जी हाँ, पे है? हाँ जी, दिखाओ। आपका नाम? प्रेमनारायण शर्मा। क्या समस्या है आपके सामने? हमारी समस्या ये है कि खारा पानी मिल रहा है और जस्ट टंकी के पास है, कोर्ट के बिल्कुल सामने है, 200 मीटर की दूरी भी नहीं है। अब जनता प्यास से, वैसे कोरोना से मर रही है, प्यास से मर रही है, कुछ ज्यादा नहीं तो हमारे एक टैंकर की व्यवस्था करवा दो ना कॉलोनी में, जो 200 लीटर की टंकियां भरवा दो सबके लिए। तो पूरी कॉलोनी में यही स्थिति बनी हुई? पूरी कॉलोनी में ही है। और क्या है? तो आज आप यहाँ एसडीएम कोर्ट में किस लिए आए हो? इसलिए आए, इनको ज्ञापन देना है, पानी लेके आए। किस पानी से आप खुले करके दिखाओ? कौन सा पानी है? कौन सा पानी दिखाओ एक बार? गेरा नल का पानी है, आप इससे खुले करके दिखा दो, पीना तो दूर है। ये आज की सप्लाई का है? सप्लाई हो रही है, अब भी चल रहा है पानी। जी आपका नाम? मेरा नाम उर्मिला शर्मा है।